सीजन है इस वक्त चल रहा है, टूरिस्टों का काफी रश हुआ करता था। हमला किया जिसके नतीजे में दो पुलिस अहलकार जांबाग। वो कह रहे हम सड़कों पे आएंगे सिटी रूट के लिए। देखिए मेरी बात, हम कहेंगे कि सरगर्मियां जो स्टेटमेंट से वो आने शुरू हुए हैं, कई जगहों पे हल्की फुल्की सी वादी कश्मीर कई दिनों से कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती। इसके बारे में जो डिसीजन पीपल्स अलायंस वाले लेंगे, जिसमें सारी पार्टियां हैं, डॉक्टर साहब उसको हेड कर रहे हैं, उसके चेयरमैन लीडर हैं, तो नेशनल काउंसिल वेट जो फैसला आ जाएगा पीपल्स अलायंस का, ये सब पार्टियों का मिल के फैसला होगा, तो उसमें जो भी डिसीजन वो लेंगे उसको आगे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बीजेपी गवर्नमेंट की उनकी स्ट्रेटजी है, वो यहाँ के लोगों की पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल, इकोनॉमिक, सोशल राइट्स को उनको इनक्रोच कर रहे हैं, किया भी काफ़ी हद तक, अब कुछ बाकी बचा नहीं है। दे आर ट्रीटिंग अस जैसे कॉलोनी, और वही ट्रीटमेंट दे रहे हैं जिस तरह यहाँ लैंड लॉज बनाए जा रहे हैं। जो मगरी पाकिस्तान के लोग थे उनको 8 लाख लोगों को वोटिंग राइट दिया जा रहा है असम्बली में, काउंसलर में, तो इस तरह बहुत तबाही मचाई जा रही है। और ये काम करके फिर दूसरे दिन कहते हैं कि नहीं ये गलत है, हाउ प्रॉपर्टी टैक्स लगाया था, फिर वो लोगों के प्रेशर के मदद देखते हुए उन्होंने देखा कि नहीं लोग इसको नापसंद कर रहे हैं। आजकल सारे लोग सड़कों पे निकले हैं, मुलाजिम तनख्वाहें नहीं हैं, बिजली का नाम निशान है, गवर्नर तो नहीं चला रहे हैं, गुड गवर्नेंस नाम कोई चीज़ गवर्नमेंट की है नहीं, तो अब ऐसे इलेक्शन करके वो करके ऐसे गवर्नमेंट को कंसील करना चाहते हैं अपने फेलियर्स को। नहीं तो आप बताइए कि 20,500 यहाँ पंच सरपंच हैं कश्मीर में, और जम्मू में कोई 17,000, तो जब इलेक्शन किया तो अभी 13,000 के पंचों सरपंचों के इलेक्शन नहीं हुए हैं जो करने बाकी है। डैट मीन्स 10% पंचायतों का इलेक्शन हुआ, और उसमें भी वो लोग हैं जो जम्मू से, कठुआ से, राजौरी से लाए गए, उनको यहाँ अनकंटेस्टेड किया गया, कहीं कंटेस्ट नहीं हुआ किसी भी जगह। कश्मीरी पंडित भाइयों को लाया गया, उनको इलेक्शन लड़वाया गया यहाँ, और ये कौन सी माकरी है, इनकी डेमोक्रेसी की क्रेडिबिलिटी पे सवालिया निशान है। बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शनों से नहीं डरते, हमने आगे भी इलेक्शन लड़े हैं, लोग सुप्रीम हैं, और उन वो जो फैसला करेंगे वो सबको कबूल होगा, लेकिन लोग निकलने चाहिए, लोग आने चाहिए, उसके लिए एक माहौल वातावरण बनाना है। उस जिले में मेरे ख्याल में नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप, बाकी जो पार्टियाँ मेन स्ट्रीम उनकी लीडरशिप बैठेगी, वो सारी सिचुएशन का जायज़ा लेगी, और बाद में जो फैसला उनका होगा वो हम पे हम उसकी तावीद करेंगे, उसको आगे ले जाएंगे। देखिए जो DDC के इलेक्शन है, अभी तक पार्टी ने कोई फैसला नहीं किया है, कि आपको पता है कि गुपकार डिक्लेरेशन के बाद एक अलायंस बनी है, पीपल्स अलायंस। ये पीपल्स अलायंस के जितने भी मेंबर हैं उसमें हमारी प्रेसिडेंट साहिबा भी एक वाइस प्रेसिडेंट है उसकी, तो जो वो फैसला करेंगे उसी पर हम भी अमल करेंगे, हमारी पार्टी भी अमल करेगी। अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली 7 तारीख को मीटिंग है पीपल्स अलायंस की जम्मू में, तो उसमें हो सकता है कि फैसला हो जाएगा कि इलेक्शन में हिस्सा लेना है कि नहीं लेना है। देखिए इलेक्शन तो होते रहते हैं, इलेक्शन चाहे असेंबली के हों, चाहे पंचायत के हों, चाहे UALB के हों, इलेक्शन तो हम तो इलेक्शन के मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन जो हालात इस वक्त जम्मू और कश्मीर में है उसमें ये सोचना है अभी पार्टी को, पीपल्स अलायंस को सोचना है कि क्या करेंगे, कि हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे। देखिए सबसे पहली बात यह है कि इन इलेक्शंस को मद्देनज़र रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने पहले भी इनको कहा था कि जो गवर्नर इंतज़ामिया जिन्होंने इलेक्शन अनाउंस किया अभी, और इनको पॉलिटिकल पार्टीज जितनी थी उनको कॉन्फिडेंस में लेना था, उनको पूछना था, सिक्योरिटी सिनेरियो डिस्कस करते हैं हम इनके साथ, और ये नियम है जब जब भी कोई भी छोटे बड़े इलेक्शन होते हैं उसमें पार्टीज़ को पूछा जाता है, क्योंकि स्टेक होल्डर्स उनकी सलाह मशवरे से इलेक्शन को आगे बढ़ाया जाता है। करवाना तो गवर्नमेंट का बनता है, हम लोगों ने तो करवाना नहीं है, लेकिन
इन्होंने किसी भी आदमी को पूछा नहीं, ना बाकी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ना नेशनल पार्टीज़ को, खुद ही डिसाइड किया, खुद ही रात को ऐलान कर दिया और बोला जी आपने इस डेट से इलेक्शन में जाना है। तो हम जित कदम जो है इसका 73 अमेंडमेंट को लागू जब किया तो ये कांग्रेस ने ही किया था, इस ऑर्डिनेंस को मरहूम राजीव जी ने लाया था। और ठीक है, 3-tier सिस्टम जो है कांग्रेस भी चाहती है कि ये मजबूत हो, लेकिन उसके साथ साथ हमने कोसों बार सब पार्टीज ने कहा था कि अब आपने एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी के तीन कॉन्स्टिट्यूंसीज आपने बना दी और तीन कॉन्स्टिट्यूंसी को आपने डिलिमिटाइजेशन जो थी उनकी वो अपने ढंग से करी। हमने उनको उजरात भी दिए थे कहीं पे, उसका हमें कोई फीडबैक नहीं आज तक मिला कि उन्होंने जो हमने उजरात भरे थे क्या हमारी सुनी या इन्होंने नहीं सुनी। हमारे पास कोई अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना इन्होंने बोला वो, ना हमें ब्लॉक के ज़रिए से, ना हमें तहसील के ज़रिए से उसकी इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास नहीं आई है कोई। तो रही बात इलेक्शंस की, कांग्रेस इलेक्शंस में तो हम यकीन रखते हैं क्योंकि मुल्क को आज़ादी देने वाला कांग्रेस ही है और पार्टी बैठेगी। हम भी अभी हमारे जो प्रेसिडेंट है पार्टी के वो जम्मू में हैं तो एक मीटिंग लेंगे, उस अगली रणनीति जो होगी इलेक्शंस को में जाने की वो तय करेंगे। देखिए मैंने कल भी मीडिया के माध्यम से ये बात कही इनको कि अगर आप 15,000 या 10,000 वोट एक ब्लॉक में है या 18,000 एक ब्लॉक में है, आम जनता को वोट डालने निकलना है तो जहां आप TDC के इलेक्शन करवा रहे हैं, आप जो खाली असामियाँ उनको पूर कर रहे हैं, चाहे पंच सरपंच या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो वैकेंट पड़ी हैं उनको पूर कर रहे हैं, तो हमने इनको पहले से ही डिमांड रखी थी। कांग्रेस अपने 4 अगस्त के बाद जब भी हम लोगों के बीच में आए, जब हमने मंथन करना शुरू किया तो हमने पहले से ही इनको कहा कि बेटर ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जम्मू कश्मीर रियासत जो है इसका जो स्टेटस है इसको बहाल करना चाहिए विद कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़, और उसके बाद इनको सीधा इलेक्शंस में जाना था क्योंकि सिक्योरिटी सिनेरियो को मद्देनज़र रखते आपने ठीक बोला कि अगर हम ये वाले इलेक्शन करवा सकते हैं तो हम वो क्यों नहीं करवा सकते। तो अब गवर्नमेंट इनके पास है, गवर्नर इंतज़ामिया जो है वो दिल्ली इसको हैंडल कर रहा है, तो फैसला इन्होंने ले लिया और सीधा आके अनाउंस करके कि आपने इलेक्शन में जाना है। तो हमारे पास कोई रास्ता तो है नहीं क्योंकि अगर हमें ये पूछते हम सुझाव देते इनको अच्छा क्या है ख़राब क्या है, हमें हमसे तो किसी ने पूछा ही नहीं। रद्दअमल तो साफ ज़ाहिर है, जमहूरियत का हम एक हिस्सा है और हम इलेक्शन में भी यकीन रखते हैं, तो इसलिए हम समझते हैं ये एक अच्छा मौका है लोगों के लिए कि वो अपने नुमाइंदे चुने, खासकर डेवलपमेंटल प्रोसेस में। ये सियासत से बालातर उठकर भी हमारी राय ये है कि अगर आज की बार लोग निकलेंगे और अपने मनपसंद नुमाइंदे चुनेंगे जो इनकी खिदमत करने में कामयाब हो जाएंगे, काम करेंगे, तो मुझे लगता है एक कदम अच्छा है, पार्टिसिपेशन होना चाहिए इसमें। ये डेवलपमेंट का एक हिस्सा है और बाकी जो रियासतें हैं वहाँ ऑलरेडी 3-tier था, यहाँ पर हमारे पास 2 स्टेप तो ऑलरेडी हो चुके थे, पंचायत का लेवल और BDC लेवल, तीसरा बाकी था। मुझे लगता है इससे ज़्यादा पावर्स आएंगे लोगों को और उनके नुमाइंदों को, बल्कि अफसरशाही से निकलकर लोगों के पास इख्तियार आ जाएंगे, तो मुझे लगता है ये ठीक रहेगा लोगों को अपने पास फैसला करने का, पैसा खर्च करने का और अपने मामलात को एड्रेस करने का हक मिलेगा, तो ये ठीक बात। हमारी तो ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द असेंबली इलेक्शंस हो जाएँ, हम चाहते हैं कि स्टेट रूट जल्दी से जल्दी मिले ताकि एक ताकतवर असेंबली मिले और जो हमारे रोज़मर्रा के मामला हो वो असेंबली ही हल करें। उसमें डिलिमिटेशन का मसला है, डिलिमिटेशन कमीशन जारी है, लेकिन हमारी डिमांड है बहुत जल्दी हो जाए। अगर डिलिमिटेशन को पेंडिंग रख कर भी यहाँ पर असेंबली इलेक्शन हो जाए, स्टेट रूट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। मुझे लगता है जब गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के इलेक्शन होंगे, असेंबली के भी होने चाहिए।